दालों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली रेड ग्राम यानी अरहर की दाल भोजन में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है। हाल के वर्षों में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसान दलहन खेती में खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। इनके प्रमुख कारणों को देखें तो फसल में लगने वाले दर्जन भर से ऊपर कीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण उपज में भारी गिरावट होती है और अरहर खेती करने वाले किसान को भारी नुकसान होता है। लेकिन ठहरिए, अगर समय से इन कीटों की पहचान कर उनकी रोकथाम कर दी जाए तो कीटों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अरहर की फसल में लगने वाले कीट रोगों के बारे में जानने से पहले हल्की सिंचाई के फायदे जानिए। यूं तो अरहर में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ज्यादा सिंचाई कर दी जाए तो नुकसान होगा, लेकिन सिर्फ खेती में नमी बनाए रखने के लिए और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हल्की सिंचाई करें। पानी का प्रबंधन, पानी न लगने पावे, पानी अगर लगा मुख्य रूप से आप करेंगे मेड़ पर ही अरहर की अगर बुआई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेड़ पर नहीं किए हैं तो जो है अरहर के खेत में से पानी को जो है बाहर कर दें। सिंचाई के अलावा यूरिया खाद का फोलियर स्प्रे भी इस समय किया जा सकता है, जिससे पौधों की बढ़वार सही होगी और आने वाले समय में उपज भी ज्यादा मिलेगी। अब कीट रोगों के बारे में जानिए। अरहर की फसल में लगने वाले कीटों में सबसे प्रमुख है फली बोधक कीट। जब फलियों के तैयार होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, इसी समय इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है, तो जरूरी है कि इससे पहले आप इसके नियंत्रण का उपाय कर लें। फूल खाने लगते हैं, फिर जो है फल में छेद करने लगते हैं, तो उसी अवस्था में ही जो है अगर इनका मोनोकोटोफास से जो उपचार कर देंगे तो ये जो है खत्म हो जाते हैं, फिर जो है हमारा फूल और फल जो है अच्छी प्रकार से लगता है। आप इन कीटों की रोकथाम बिना रसायनों के इस्तेमाल के भी कर सकते हैं, जैसे इसके कुछ इंतजाम देखिए। गर्मी में गहरी जुताई करके, फसल चक्र अपना कर, खेत में प्रकाश प्रपंच या फेरोमोन ट्रैप लगाकर, अरहर की फसल में इंटरक्रॉपिंग करके, अंग्रेजी शब्द टी के आकार की खूंटियां खेत में चिड़ियों के बैठने के लिए लगाकर भी आप कीट प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें केमिकल्स की जरूरत नहीं। कीटों के अलावा अरहर की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप होता है, जिनमें उकठा और बंझा सबसे प्रमुख है। उकठा रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है, इनसे बचने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। जिन खेतों में एक दो बार अरहर की फसल ले ली है उसमें फिर अरहर ना बोएं, खेत बदल लें। इसके अलावा बीजों का उपचार भी बहुत काम आता है। उसके बाद आता है उकठा रोग, तो उकठा रोग तो चूंकि हमने बीज का उपचार जो है नहीं किया है, इसमें बीज का उपचार कर लेना चाहिए ट्राइकोडर्मा से। जो लोग किसान भाई अगर किए होंगे तो उसमें तो उनका उम्मीद कम है कि जो उकठा रोग लगे। अगर उकठा रोग लग जाता है तो कोशिश करें कि एक दो पौधे अगर कम हैं तो उस पौधे को आप खेत से बाहर कर दें। इस तरह से अगर आप बताए गए टिप्स के अनुसार अरहर में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम कर लें तो आगे चलकर इस फसल से आपको अच्छी उपज मिलेगी। इस तरह आपकी मेहनत और फसल में लगा वक्त कीटों के कारण खराब होने से बचेगा और आपको पूरा मुनाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।